प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा आहे. दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी बांधवांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आणि शेतकरी विरोधी कायदे त्वरित रद्द करावेत या मागणीसाठी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीसह विविध संघटनांतर्फे एक दिवसीय अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले. दिल्ली येथे शेतकरी बांधवांचे गेल्या काही दिवसापासून आंदोलन सुरू आहे. 3 कृषी कायदे रद्द करण्यात येत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाही असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ शहरातील अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने सोमवारी सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले. आंदोलन करताना विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. जळगावहून धर्मेंद्र राजपूत सोबत आनंद शर्मा, इंडिया आपतक न्यूज मराठी. में जो हमारे किसान भाई पिछले 19 दिन से शेतकरी कायदे के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस लड़ने में आज उनका 19वां दिन है. इसलिए आज पूरे भारतवर्ष में उन किसानों को पाठिंबा देने के लिए पूरे भारतवर्ष के जिला के प्रमुख ठिकान पे वहाँ पे हम आंदोलन कर रहे हैं. और आंदोलन एक दिन का पूरा अन्नत्याग है. अन्नत्याग करके हम उनको हमारा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो जाने कि पूरे भारतवर्ष के किसान और दूसरी संस्थाएं उनके साथ है. धन्यवाद. किसानों को पाठिंबा देने के लिए आज यहाँ सब लोग जमे, विविध संगठना के लोग है. हम सबका पाठिंबा रहेगा उनको. ये सरकार को संसार क्या है मेरा ख्याल मालूम नहीं. और किसान कितनी मेहनत से अनाज पिकाता है और वो क्या करता है ये इनको पता नहीं. किसान इस देश का अन्नदाता है और हम अन्नदाता के साथ में रहेंगे. और चाहे कुछ भी हो जाए, वो जिस तरीके से आज वहाँ 18वां 19वां दिवस है वहाँ बैठे हुए है, उन पर इतनी सर्दी में वो बाहर बैठे, ये जालिम हुकूमत को उन पर तरस नहीं आ रहा और उल्टा ठंडा पानी डालते. 11 लोग मर गए, इनको शर्म आना चाहिए. जो उनके सपोर्ट में और उनको उनके आंदोलन को पाठिंबा देने के लिए हर जिला अधिकारी कार्यालय के सामने जो आंदोलन शुरू है, धरना आंदोलन, हम उन्हीं के सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं. मैं मौलाना आज़ाद विचार मंच का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हुसैन दलवाई साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं. आज का ये आंदोलन किसानों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, एक प्रकार से किसानी पर नहीं पूरे देश पर वो अन्याय है. क्योंकि जो कायदे बने हैं ये किसानों को भरोसे में लेके नहीं बने हैं. और कैसे टाइम में बने हैं, इतनी जल्दी क्या थी, जब कोविड पूरा फैला हुआ था. देश के अंदर लोगों को बचाने की फिक्र करने की बजाय जिस तरह के कानून इस सरकार ने पास किए, यहीं से डाउट शुरू होता है. चाहे वो BSNL का मामला हो, चाहे वो LIC का मामला हो, चाहे वो रेलवे ट्रैक बेचने का मामला हो, चाहे ऐसे कितने ही कायदे हो जो इन्होंने बनाए हैं, उसी में ये कायदा जो बनाया है, सिंपल बात है, किसानों को बुला के बात करते, उनकी संगठनों से सलाह मशवरा करते और उसके बाद अगर ये कानून बनाते तो फिर विरोध करने का सवाल ही नहीं आता था. खुद इनको शर्म आनी चाहिए कि BJP का जो किसान सेल है उन्होंने भी इसका विरोध किया है. उनका भी कहना, उनको भी भरोसे में नहीं लिया है. क्या वजह है फिर ये सरकार किसानों के लिए कायदा बनाती है और वो किसान उसको नहीं मानते हैं और उनको कहती है कि हम आप गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं. साहब, गिफ्ट लेने वाला कहता है कि मुझे आपका गिफ्ट पसंद ही नहीं है. ताकि जान की आहुति जा चुकी है और कितने आहुति लेंगे और कितना बलिदान लेंगे. इसलिए हम सब पूरा देश आज हर जगह कलेक्टर ऑफिस के सामने विविध संगठनाओं के मार्फत जेंट्स, जाति, धर्म सब भूलकर आज किसान के पीछे खड़ा है. उसका एक पार्ट हम यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं.